इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति रुगण नहीं होता, अचिंत रहता है। जानता है हमारे पास सत्य का बल है। पांडव घबराते हैं, कन्हैया नहीं। एक समय का प्रसंग है, अंतिम समय में जब कर्ण का रथ धरती में उलझ गया, फंस गया, कर्ण धनुष बाण एक तरफ रखकर रथ को निकालने के लिए उतरा। गांडीवधारी अर्जुन ने भी अपने गांडीव को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर देखने लगे। पार्थ बाण चलाओ, अर्जुन ने कहा वासुदेव ये तो अधर्म होगा, जिसके हाथ में आयुध नहीं है उस पर हम बाण कैसे चलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ जो धर्माचरण करता हो रहता हो धर्म का व्यवहार उसी के साथ करना चाहिए। कर्ण ने सुन लिया, कर्ण चिल्लाया वासुदेव आप धर्म स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप होकर आप अर्जुन को अधर्म का उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं नहीं धनुर्धर, मैं अधर्म का उपदेश नहीं कर रहा, मैं तो जो आपने जिया है वही इनको स्मरण करा रहा हूं। तब भगवान ने पार्थ से पूछा अर्जुन आप दानवीर कर्ण से ये प्रश्न करो, सात महारथियों के बीच में जब अभिमन्यु था तब इनका धर्म विज्ञान कहां गया था? सात महारथियों ने घेर कर तुम्हारे अबोध पुत्र को मार डाला, क्या ये वीरवर कर्ण, दानवीर कर्ण, धनुर्धर कर्ण वहां रोक नहीं सकते थे? तब ये सेनापति थे। जो जिस प्रकार का जीवन जीता है, धर्म कहता है, उसको उसी प्रकार परास्त भी होना पड़ता है। मारो, भगवान ने जैसे कहा मारो, एक पल को नेत्रों में पुत्र अभिमन्यु का स्वरूप उतरा और कर्ण मारा गया। हमारे जीवन में धर्म की परिभाषा हमको तब स्मरण होती है जब हम उलझते हैं, लेकिन जब वही व्यवहार दूसरा कोई उपस्थित करता है हमको उसका स्मरण नहीं रहता। धर्म भगवान का शाश्वत स्वरूप है, भूल न होनी चाहिए। आज हम जो व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, प्रकृति न अंधी है, न लंगड़ी है, न बहरी है, प्रकृति लिख करके रखती है। हमने जो किया औरों के साथ, 12 वर्ष बाद वही होगा हमारे साथ, आंसू भी कम पड़ेंगे। इसलिए कभी भी बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़े हैं,
बहुत संपन्न हैं तो फिर रहमन देख बड़े इनको लघु नहीं दी जाए। डार जहां काम आवे सुई काह करे तरवार तद्भव तत्सम पढ़े तद्भव तत्सम तरवार। वो डार है ना, लघु ने दीजे डार। तो भैया कभी किसी को कमजोर समझ के सताया न जाए, ऐसा प्रसंग कहता है। कोई कह नहीं पाया प्रभु से, चलिए सरकार। गुरु वशिष्ठ भगवान भी यही कहते हैं कि भरत जी की विनय सुनिए, माताओं का भाव समझिए और तब निगम सिद्धांत को निचोर कर जो सबके हित में है वही कहिए। प्रभु ने कहा सरकार हित सब ही कर रौरे हाथा। गुरु वशिष्ठ जी मिथिलापति से कहते हैं महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित। मिथिलापति की मति भी भोरी हो गई। देखिए सत्य मीठा नहीं होता है, सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा भले होता है परंतु फायदेमंद होता है, झूठा मीठा होता है परंतु नुकसानदायक है, हानिकारक है। सत्य ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है, सत्य सब जानते हैं। सबकी मति भोरी हो गई। कौन कहे, प्रस्तावना तीन प्रकार की थी। लक्ष्मण जी अयोध्या जाएंगे, भरत जी उनके साथ जाएंगे, गुरुदेव भगवान। तीनों भाई बन श्री सीताराम जी वापस, अथवा हम दोनों भाई बन प्रभु लक्ष्मण भैया माँ वापस। ये बात प्रभु के चरणों में रखेगा कौन। सबकी मति चकरा गई है, अंत तो गतवा चौथी बैठक में भरत जी ने ही सरकार के श्री चरणों में निवेदन किया, जेहिविधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर। मुझे कुछ व्यवहार शास्त्र का बोध नहीं है, हम तो अबोध बालक हैं सरकार। जैसे आप प्रसन्न हो वो सरकार पालन। अभिषेक की जो सामग्री गुरु आज्ञा से हम लाए हैं इसके लिए क्या आज्ञा है, प्रभु मौन है। चित्रकूट के दिव्य दर्शन जहाँ सरकार के श्री चरण पड़े हैं, आज्ञा हो तो कर लेते, भगवान ने आज्ञा दी और पांच दिन में सब समाज ने चित्रकूट का दर्शन किया है। बोरबेला में सब लोग जुटे और अंत में भरत जी ने ही प्रार्थना किया प्रभु आज्ञा हो तो हम लोग आज श्री अवध प्रस्थान करें। भरत जी को प्रभु ने बहुत समझाया, मुखिया कैसा हो, राज धर्म का निर्वाह कैसे हो, माताओं की सेवा कैसे संपन्न होगी, धर्म तत्व क्या कहता है। पिताजी ने धर्म पालन के लिए क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया, हम चारों भाइयों को योग्य है कि हम आप भी धर्म का पालन करें। प्रभु ने समझाया
लेकिन भरत जी के चित्त में शांति नहीं आई। तो भगवान ने भरत जी के भाव को समझा और मेरे करुणा निधान प्रभु ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शिष धरी करी कृपा पावरी सादर परमात्मा ने चरण पादुकाएं भेंट की। महात्मा गण कहते हैं भगवान का ये विशेष अवतार है, इसका नाम पादुका अवतार, क्योंकि भगवान तो पादुकाएं लेके आए नहीं थे। भरत जी के कल्याण हेतु भगवान ने एक नव्य नवीन अवतार लिया। बोलिए पादुका अवतार भगवान की। भरत जी ने सिरोधारी किया, चरणों में दंडवत करने लगे। मेरे प्रभु ने उठाकर भरत जी को हृदय से राजीव नयन के नेत्र झरझरा उठे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।